Good morning, Mama. Morning, baby. How are you? नसीम बाजी कॉफी बना दें प्लीज, सर में दर्द है। सारी सारी रात उठी रहोगी दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। डॉक्टर को बुलाओ। रूटीन का हेडेक है। अच्छा तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखते हैं। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। वैसे तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग जगह ही नहीं है जाने के लिए, बट हम चलते हैं, विल रोम अराउंड इट समथिंग। लेट्स गो। मामा अगर आपको सांबर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग दैट अप? तुम्हें पता है कि कितनी मजबूरी के आलम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे वी आर गोना गो बैक, हम वापस चले जाएंगे। व्हाट? क्या मतलब? मामा मेरी पढ़ाई, मैं सेमेस्टर के बीच में खड़ी हूँ। कम ऑन रुकना, यू नो कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि तुम यूके या स्टेट्स की किसी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, नॉट सम रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। मामा मैं यहाँ एडजस्ट हो गई हूँ, मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? और तुम्हें मैं ये याद कराती चलूं कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में? वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम, परिजात। यस परिजात, पार्टी में भी आया हुआ था वो। मैं प्लीज डोंट से दैट, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमारी ड्रामा फेस्टिवल में बहुत मदद की थी। हाँ तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर एक को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। Such a misfit, my God. And don't tell me that you didn't notice कि वो misfit नहीं था। That's not fair, Mama. मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी दखलंदाजी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं देखूंगी। कौन देखेगा लुबना? Really? Now you're being rude. एक मामूली से लड़के के लिए You are talking to me like this. And you know I don't like it. Stop it now. Lupna, listen to me. Koi to taza hawa ki khidki khuli rehne de meri zindagi mein. To amma ne kuch galat to nahi kaha na? तुम्हारे भाई और भाभियों तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और शादी के वक्त मेरे घर वालों ने जहेज नाम पे एक चीज की डिमांड नहीं की थी और अब ये मौका है, इस पर क्या तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए उन लोगों को? तो आप मुझे बताएं सलीम मैं क्या करूं? आप जानते हैं कि मेरे घर वालों के सामने मैं बेबस हूँ, मेरा नहीं बस चलता उन पर। लेकिन मैं अपने घर वालों के सामने बेबस नहीं होना चाहता, मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता माँ बाप के सामने। तुम कान खोल के सुन लो, अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। तो ध्यान रखा करो, चाय में पत्ती देखो। परिसाद तुम कैसे? सलीम आप आओ बैठो, चाय पिलाओ, मैं काम है आता हूँ, बैठो। परी